भारत में जब भी कोई काम किसी सन्यासी ने शुरू किया है तो वो पूरा ही हुआ है। भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है कि जहां सन्यासी कोई काम शुरू करे तो ईश्वर भी उसको पूरा कराता है। तीन उदाहरण देता हूं। हमारे देश में उस दौर में जब अंग्रेजों का साम्राज्य सारा छाया हुआ था, तब एक सन्यासी परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हमें इतिहास के दस्तावेज जो मिले उनको देखकर हैरानी होती है। अभी थोड़े दिन से मैं कुछ इतिहास के दस्तावेज पढ़ रहा हूं तो पता चला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो हार के निराश होके उदास होके बैठ गई थी, महल से बाहर चली गई। महल छीन लिया अंग्रेजों ने, पति छीन लिया ईश्वर ने, विधवा हो गई अंग्रेजों ने, संपत्ति छीन ली, कुछ बचा नहीं। तो एक बहुत छोटे से घर में झांसी के बाहर उसने विधवा का जीवन बिताना शुरू किया। उस समय परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा उसको हुई और उसने तलवार उठाई, और वही प्रेरणा फिर तात्या टोपे को हुई, उन्होंने तलवार उठाई, नाना साहब पेशवा को हुई, वासुदेव बलवंत फड़के को हुई, और ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारियों को एक ही तरह की प्रेरणा हो गई। सन्यासी का संकल्प और क्रांतिकारियों उस संकल्प से मिली प्रेरणा और लड़के आजाद करा लिया देश को। तो सन्यासी का संकल्प ऐसे पूरा होता है। एक और सन्यासी हुए, समर्थ गुरु रामदास, महाराष्ट्र में। उस समय औरंगजेब का शासन था पूरे भारत पर। औरंगजेब बहुत अत्याचारी क्रूर राजा था, आप सभी जानते, हिंदुओं को मारना पीटना मुसलमान बनाना, हिंदुओं के जनेऊ काटता था, जनेऊ ना कटवाए कोई तो गर्दन काटता, बहुत अत्याचार किया। उस अत्याचारी औरंगजेब को खत्म होना चाहिए, ये पहला संकल्प था समर्थ गुरु रामदास का। और सन्यासी ने संकल्प लिया तो देखो परमपिता परमात्मा ने दो महान आत्माएं इस देश में भेज दी। एक थे गुरु गोविंद सिंह उत्तर भारत में, एक थे छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत। दोनों ने अंग्रेजों से लड़ा। आपको मालूम है गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के 10वें गुरु थे जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं बंद की, संघर्ष बंद नहीं किया। और एक दिन वो संघर्ष फला, 1707 में औरंगजेब का शासन पूरे भारत से खत्म हो गया और 1707 में औरंगजेब मर गया। अब मैं हैरान होता हूं बार बार ये सोचकर कि 300 साल का मुगल शासन दो क्रांतिवीरों ने खत्म करा दिया, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। ये कैसे संभव है? ये परमपिता परमात्मा की कृपा हो तो संभव है। और ये परमपिता परमात्मा की कृपा कैसे हुई? एक सन्यासी का संकल्प था इसलिए।